अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूनिक टैलेंट। दोस्तों, यूनिक टैलेंट में आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और आज की हमारी वीडियो जो है वो है काइनमास्टर के बारे में। यह है दोस्तों, ये एक एंड्रॉयड ऐप्स है, शायद आपने पहले कभी देखा होगा, लेकिन उसके आज की वीडियो में मैं कुछ सीक्रेट राज बताऊँगा जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। या दोस्तों, वो सीक्रेट राज क्या है तो वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो की अपडेट आप लोगों को बर वक्त मिलते रहे। या दोस्तों, जो वीडियो शुरू करते हैं, और वर्ड्स आपने जस्ट काइन मास्टर ओपन करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे पहले एडिट वीडियोस नहीं हैं तो आप जस्ट ये बटन दबा लीजिए, मैं ही दबा लेता हूँ। आपने यहाँ पे मीडिया में जाके कोई भी वीडियोस आपने सेलेक्ट करना है, और जैसे मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ, इस वीडियो ओके कीजिए, और यहाँ पे आपने टेक का निशान दबाना है। तो दोस्तों, ये देखो, मैं जो है वो इसमें पहला राज जो आप लोगों को बताऊंगा वो ये है कि आप इसको बड़ा कैसे करेंगे। मतलब अगर मैं इसके साथ म्यूज़िक भी डाल दूं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी डाल दूं और यहाँ पे कुछ और भी डाल दूं, जब मैं इतना ज़्यादा चीज़ें डालूँगा तो दोस्तों ये देखो, ये नीचे, ये यहाँ नीचे आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब दोस्तों इसको बड़ा कर लीजिए, मतलब फुल स्क्रीन कर लीजिए, तो सब ये नज़र आएगा आप लोगों को। और कैसे करना है वो आपने जस्ट यहाँ पे ये सेटिंग वाले निशान के नीचे एक निशान है, ये वाला, आपने इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों ये देखो, ये सब आपके सामने मौजूद होगा और आपने क्लिक करना है, नीचे जाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। वो कैसे करना है, और यहाँ वीडियोस जो है आपकी वीडियो वो भी यहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए और आप शुरू कर लीजिए वीडियो। या दोस्तों, तो ये था पहला राज। और दूसरा राज के बारे में जो बताऊंगा वो ये है कि अगर आप कोई, यहाँ पर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक फिक्चर डाला, तो मैं यहाँ से एक सेलेक्ट कर देता हूँ, ये पिक्चर मैंने डाल दिया। तो देखो, इसमें कुछ मोशन होता है, ये जूम टाइप का मोशन होता है, मतलब जूम होता है। तो दोस्तों, ये जूम ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि इस पे क्लिक कीजिए इस पिक्चर पर, और यहाँ जो है वो आपको ऊपर जो ये कैंची के साथ दूसरा निशान नज़र आएगा, ये दरमियान वाला, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ जो है वो इक्वल वाला निशान जो है उसको प्रेस करेंगे जैसे, तो दोस्तों कुछ इस तरह का जो है वो नज़र आएगा आप लोगों को। और जैसे ही इसको टिक करेंगे तो दोस्तों अभी देखते हैं, ये देखो, ये बिल्कुल अपनी ही कांस्टेंट हालत पर होगा और ये चेंज नहीं होगा। तो ये था दूसरा राज। दोस्तों, तीसरा राज मैं आप लोगों को बताऊँगा, और वो ये है कि अगर आप कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, ये मैंने सेलेक्ट किया, और इसके साथ एक म्यूज़िक डालना है, ये म्यूज़िक, इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये म्यूज़िक तो ज़्यादा है, अगर वीडियो बड़ी हो और म्यूज़िक छोटा हो, जिसके मैं कोई बड़ी वीडियो डाल देता हूँ, जैसे कि तो ये लीजिए, ये भी छुट्टी है, इसके साथ अगर आप म्यूजिक डालेंगे को बड़ा कर देते हैं।
दोस्तों ये देखो, आप अगर चाहते हैं कि सारे वीडियो के साथ जो है वो म्यूज़िक हो, तो आपकी वीडियो अगर लंबी है तो आपने जस्ट उस म्यूज़िक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो है वो लूप नज़र आएगा, उस लूप को सेलेक्ट करना है। अगर आप सारी वीडियो के साथ म्यूज़िक लगाना चाहते हो तो आपने क्या करना है कि एक्सटेंड टू एंड ऑफ प्रोजेक्ट इसको जो है वो ऑन करना है। तो दोस्तों आपकी म्यूज़िक जो है वो सारी वीडियो के साथ जो है वो म्यूज़िक बजता रहेगा। जा दोस्तों, तो और एक और राज मैं बताऊंगा कि अगर आप कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक रखना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक भी रख सकते हैं। वो किस तरह के जो सा भी रखना चाहते हैं, आप ऑडियो में चले जाइए, यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आपने जस्ट उसी ऑडियो पे क्लिक करना है, और यह सामने आपको नज़र आएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो दोस्तों ये म्यूज़िक आपके बैकग्राउंड में जो है वो चला जाएगा। ये देखो दोस्तों, आपके बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी काइनमास्टर की राज। मैं आप लोगों को कुछ और भी बता देता हूँ, और वो ये है कि अगर आप वीडियो जो है ये देखो, वीडियो इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये तो मैंने बता लिया आप लोगों को, सॉरी, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप जो है दोस्तों इसको यहाँ पे स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होता है। जैसे ये अब ये दरमियानी हालत पर है, और यहाँ नीचे आएंगे तो ये स्पीड स्लो होता है, तो यहाँ से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो है वो आप साउंड जो है वो वीडियो का साउंड बड़ा भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो की आवाज़ स्लो है तो आप इसे दोस्तों जो है वो हाई कर सकते हैं, और अगर आपकी वीडियो की आवाज़ ऊंचा है तो आप इसे स्लो भी कर सकते हैं यहाँ से, या दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ साथ में एक कंप्रेसर आपको नज़र आएगा, या दोस्तों इसको कंप्रेसर भी कर सकते हैं। आपकी आवाज़ जो है वो दुगनी सी लगी होगी, जैसे कि कोई हाल में आवाज़ जो है लगा रहते हैं, उसी तरह दोस्तों आपकी जो है वो आवाज़ लगेगी। और यहाँ राइट लेफ्ट ये भी है दोस्तों, इससे पिच, ये पिच भी ज़्यादा और कम कर सकते हैं, या जब कम करेंगे छोटे बच्चे की आवाज़ लगेगी, बड़ा करेंगे तो बूढ़े की, तो इस तरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नीचे कुछ और भी जो है वो हैं, आप यहाँ से अगर वीडियो को ये विजिनिटी जो है वो यहाँ पे वीडियो थोड़ा की साइड जो है वो थोड़े जो है ब्लैक होंगे, वाइट एंड ब्लैक, ये देख लीजिए, अब वाइट हो गए, अब ब्लैक हो गए, या तो आप ये भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दोस्तों एक वॉल्यूम एंड वर्ब का जो है वो ऑप्शन नज़र आएगा, जिस इस पे क्लिक करेंगे तो आप अगर वीडियो में किसी जगह पर आपका आवाज़ जो है वो स्लो है तो आप इसे दोस्तों बड़ा कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। अगर किसी जगह पर तेज़ आवाज़ है तो यहाँ फिर आप लोग जो है वो स्लो कर सकते हैं, और अगर स्लो है तो उसको दोस्तों जो है वो आप बड़ा कर सकते हैं इस तरह, या दोस्तों आप इस तरह कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो है वो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ स्टार्ट रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो के ऊपर आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से मैं और आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे ही आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो लास्ट में तकरीबन कुछ सेकंड के लिए वो ऑडियो स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह क्या होती है कि यहाँ पे ये ऑडियो पैड ऑन एन जो है ये ऑन होता है। अगर ऑन होता है और इस तरह मसला लगता है तो आपने इसको ऑफ कर देना है। और दोस्तों अगर वीडियो जो है वो लास्ट में आपकी वीडियो जो है वो डार्क होती है तो आपने ये वीडियो फेड आउट को जो है वो ऑफ कर देना है। या दोस्तों ये थी व्हाट्सएप स्काई मास्टर की कुछ सीक्रेट राज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और
वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।